स्टीम वॉश, फोम वॉश, कार व्हील बैलेंसिंग हो जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है, कोटिंग्स एंड भी कौन कौन सी कोटिंग्स अपने पास? नैनो कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, सेरामिक कोटिंग, ग्रेफीन कोटिंग, पीपीएफ भी है। बिल्कुल। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया हो गए, और थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो पे जो रिस्पॉन्स दिया आपने उसका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हम फिर से एक गाड़ी की कोटिंग्स वाली जगह पे आए हैं जहाँ पे गाड़ी की प्रोटेक्शन होती है, और क्योंकि यार आजकल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है गाड़ियों की, क्योंकि देखो ना हमारा इंडिया का थोड़ा माहौल ही ऐसा है, थोड़ा डस्ट वाला, या फिर अब देखो सड़कें भी उतनी ऐसी नहीं है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, पत्थर आ गया, मिट्टी आ गई, तो उससे गाड़ी की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटेक्शन अगर करनी है गाड़ी की तो अच्छी कंपनी, एक प्रोफेशनल वर्क, करेक्ट, और जो लॉन्ग टाइम तक चले, अगर आपने एक बार पैसे खर्चे, क्योंकि जो कोट अपना प्रोटेक्शन है वो चीप नहीं है, एक्सपेंसिव है, प्रोटेक्शन भी एक्सपेंसिव है, बिल्कुल अच्छी प्रोटेक्शन के लिए पैसा खर्चना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, प्लस ग्लॉस एंड पेंट प्रोटेक्शन, बिल्कुल ये बड़ी की बहुत जरूरी है। तो इस चीज को अच्छी तरह कवर करने के लिए आज हम ऑटो किंग में आए हैं भैया के पास, और भैया यही की ओनर है, और कैसे भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताओ। बहुत बढ़िया। तो आज जो हम ब्रांड कवर करने के लिए, खासकर ब्रांड बहुत अच्छा है और हाई लेवल का ब्रांड है, तो ऐसा करते हैं हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना, गाड़ियां आपको उस थंबनेल में देख लिया होगा, गाड़ियां भी लगी हुई हैं, और बाकियों से कुछ डिफरेंट काम है यहाँ पे, मतलब ना, हाँ जी करेक्ट, श्योर, थोड़ा डिफरेंट है, तो वो आप देखोगे, प्राइसिंग डिटेलिंग वगैरह सब कुछ आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा। बाकी फ़ोन नंबर ये को सामने इस जगह पे चल रहे हैं, लोकेशन भी एक डिस्क्रिप्शन में, बाकी फिर भी एक बार भी लोकेशन आप बता दोगे सबको? ये नकोदर रोड पे है, टीवी टावर के पास, ऑपोजिट मलको गेट। ओके, तो बहुत ही इजी लोकेशन है, जब आप जलंधर से नकोदर की तरफ आप जाओगे तो आपको बड़ा, बहुत ही आपका बड़ा सा बोर्ड है तो ऑटो किंग का सबको आपको पता लग जाएगा बड़े आराम से। तो ऐसा करते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और करते हैं शुरू। तो जी वीडियो के अंदर सबसे पहले मेरे को लगा कि देखो ना भैया, कोट हर कोई यूज करता है अलग कंपनी का, अच्छी से अच्छी कंपनी का, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज है, तो सबको बतानी चाहिए कि पहले डिफरेंट क्या है हमारे पास। बेसिकली हम हर चीज ट्रांसपेरेंट करते हैं, जो भी कोटिंग से सब डिस्प्ले में लगा रखी है, सो दैट कस्टमर आए, कस्टमर को पता लगे किस चीज का पैसा दे रहा है, कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं कोटिंग के। ओके, डजंट मीन भी नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ती हैं, बट कोटिंग्स ही अलग आती है, वन टाइम कोटिंग्स है, अगर 5 इयर्स की कोटिंग कराते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन में 5 इयर्स प्रोटेक्ट करती है। ओके, प्लस हमारे पास वेरियस कोटिंग्स आती है, जैसे वेरियंट्स आ रहे हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर के वेरियंट आते हैं, 10 ईयर का भी वेरियंट आ रहा है। ओके, मेरे पास हेडलाइट सीलेट्स की कोटिंग है, ऑप्टिकल लेंस कोटिंग आती है। ओके, हमारे पास लेदर की कोटिंग आती है। ओके, फ्रेम की रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन की कोटिंग आ रही है। ओके, ग्लास की कोटिंग है। ओके, टायर्स की कोटिंग है, इंजन की, साइलेंसर की, मेटल पॉलिशेस है। ओके, तो जो भी चीज हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सब डिस्प्ले में लगा हुआ है। ओके, कोई ऐसा नहीं है भी आपके पास कोई हिडन होगा, बिल्कुल, जो कस्टमर को चूज करता है जैसा पैकेज यूज करना है वैसे रेट्स है। ठीक है, ये जो ऑप्टिकोट है, ऑप्टिकोट में थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। ऑप्टिकोट बेसिकली यूएस का टॉप नॉच प्रोडक्ट है। ओके, उसका मैं ऑथराइज डिटेलर हूँ जलंधर डिस्ट्रिक्ट का। ओके, ठीक है, तो डायरेक्ट हमारी जो बात हो रही है वो यूएसए से आ रही है। ओके, तो ये सब यूएसए का ब्रांड है और प्रॉपर ऑथराइज है, इवन कि आप अगर कहीं से गूगल पे सर्च करोगे कि बेस्ट ब्रांड में इसका नाम जरूर आएगा। करेक्ट, ये ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, बिल्कुल, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी देखो। ओके, तो ये वर्ल्ड वाइड रिनाउंड प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑप्टिकोट इंडिया की आप साइट पे जाके देख सकते हो, भैया एक ऑथराइज डीलर है, उसके अलावा ये पीछे सर्टिफिकेट लगा हुआ है ऑथराइज डीलरशिप का, जो आप देख सकते हो। बाकी अगर किसी को कोई शक है आप आके एक बार खुद भी देख सकते हैं कोई भी ना। तो भैया जो हमारे पास ये ऑप्टिकोट प्रो, क्या अलग कुछ डिफरेंट चीज रहेगी? ऑप्टिकोट प्रो 5 ईयर्स कोटिंग है। ओके, ऑप्टिकोट प्रो प्लस 7 ईयर्स कोटिंग है, तो वन टाइम एप्लीकेशन होती है, पूरी किट आती है हमारे पास। ठीक है, इंजेक्शंस होते हैं, पैड्स आते हैं। ओके, प्रॉपर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर किट आती है, तो मतलब हर एक चीज वो ऑप्टिकोट प्रोवाइड करता है हमें। उसके अलावा देखो जितनी भी हमारे पास देखो ना, ये सब इंजेक्शन जो आप देख रहे हो लगे हुए हैं, ये सब हर अलग चीज है, इंजन का अलग है, टायर्स का अलग है, बॉडी का अलग है, और सीट्स का भी अलग है, लेदर का अलग है, तो ये सब कुछ अलग है। बाकी प्रोडक्ट्स तो देखो सबको पता लग गए हैं, बाकी प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए गूगल वैसे बेटर है क्योंकि हमने डिटेलिंग दिखानी है क्या हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट नीचे चलते हैं, भैया के नीचे वर्कशॉप में आ गए हैं। तो ये एक साइड की वर्कशॉप है, अभी एक उधर भी है, तो पहले हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ
भैया के पास मतलब जैसे भैया गाड़ी की जब काम होना है सबसे पहले वॉशिंग होनी है करेक्ट, और उसके अंदर भी आपके पास दो अलग चीज़ें हैं। मेरे पास एक फोम मशीन है ओके, उनके साथ गाड़ी वॉश हो जाती है ओके, प्लस हमारे पास स्टीम जेट वॉश है ओके, तो सारी गाड़ी स्टीम के साथ वॉश होती है ठीक है। आरओ का वाटर यूज हो रहा है ओके, लग रहा है वैक्स लग रही है ठीक है, तो गाड़ी का इंजन भी क्लीन होता है बिकॉज पानी नहीं यूज करते ओके, तो स्टीम जेट वॉश है ये मशीन है ठीक है। ये देख लो ये मशीन है स्टीम वॉश की, और भैया जैसे आप इसका फायदा बता रहे थे थोड़ा सा मेरे को बताओगे और कि स्टीम वॉश के जैसे बेटर क्या है दूसरी यूनिफॉर्म वॉश से? एक तो इसका एडवांटेज है अभी स्टीम के साथ ज़्यादा क्लैरिटी आती है ओके, ज़्यादा शाइन आती है ओके, पेंट को भी हार्म नहीं करता जैसे फोम के साथ डलनेस आनी स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड है ये इंजन के ऊपर भी यूज़ हो जाता है ठीक है। देखो पहले आरओ वाटर भी डालते हैं इसमें, उसके अलावा वैक्स डलती है और उसके बाद फ्यूल डलता है हमारा जो डीजल डलता है। तो आप ये देख लो यहाँ पे थार लगी हुई है और अभी भी पूरी नहीं हुई है, अभी तो कोटिंग करना है अभी। अच्छा। सिर्फ पेंट करेक्शन चल रहा है इसका। ओके पेंट करेक्शन चल रहा है आपको मैं चलो दिखाता हूँ, एक बार चेक करो कि अभी हुई भी नहीं है और क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है। अभी काम चल रहा है अभी जैसे कितने स्टेप्स होते हैं टोटल हमारे? 5 to 6 स्टेप्स होते हैं। तो अभी इस पे कितने हुए होंगे? अभी 3 स्टेप्स हुए हैं, अभी 2 स्टेप्स पेंडिंग है। तो अभी आधा ही हुआ है, ये आप शाइन चेक कर लो, लाइनें तो मतलब लाइट्स की ऐसी दिख रही है ना आप खुद आके हैरान हो जाओगे। और ये देखो, और ये अगर हम बात करें जब कोटिंग के बाद तो नई से भी ज़्यादा ग्लॉस हो गई है करेक्ट। ये ब्रांड न्यू गाड़ी है ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर से चली है ओके, तो इसकी अभी ग्लॉस और इन्हांस होगी जब इसकी कोटिंग अप्लाई होगी ठीक है। और भी जैसे आपका काम थोड़ा प्रोफेशनल है मैंने देखा है, ये टेपिंग किस लिए हुई है भैया? ये मास्किंग करी जाती है बेसिकली, जब भी कोई यहाँ पे पॉलिशिंग का काम होता है तो आपका प्लास्टिक के ऊपर जो व्हाइटनेस आती है वो ना आए, वो प्लास्टिक आपका प्रोटेक्टर है जब भी कोई काम होता है ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर मास्किंग करके काम करते हैं। प्रॉपर मास्किंग हुई हुई है, आगे भी हुई है पीछे भी हुई है, इवन कि हर एक जगह पे प्रॉपरली काम हुआ है ताकि कोई प्रोडक्ट खराब ना हो। तो ये आप चेक करो कितनी ज़्यादा क्लैरिटी, बाकी मैं हल्के हल्के स्लो मोशन शॉट जरूर लूँगा तो वो आप एक बार देख लेना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी क्या काम हो रहा है। और भैया एक बात बताओगे कि इस अभी थार पे क्या प्लान चल रहा है? इस पे अभी 2 ईयर का फुल एक्सटीरियर प्लान अप्लाई हो रहा है ओके, तो इवन वी आर इंक्लूडिंग अलॉयज टायर्स, इंजन भी इसका इंक्लूड हो रहा है, पेंट हो रहा है, ग्लासेस हो रहे हैं ठीक है, तो एक्सटीरियर कवर हो रहा है ओके। भैया जैसे आपने भी अब बताया कि इसमें अलग अलग काम हो रहे हैं तो वो कोटिंग्स भी यूज़ होंगी जो आप अलग अलग बता रहे थे? करेक्ट करेक्ट ओके। तो जैसे इसमें लेंस की कोटिंग यूज़ हो रही है ओके, पेंट की कोटिंग यूज़ हो रही है, प्लास्टिक की हो रही है, ग्लासेस की भी हो रही है ओके, इंजन की भी यूज़ होगी ठीक है। तो मतलब ग्लास की कोटिंग, ये लेंस की कोटिंग, ये लेंस की कोटिंग है जो लाइट्स से हो रही है, हेडलाइट टेल लाइट ओके, ग्लासेस जहाँ पे विजिबल करते हैं वहाँ की कोटिंग हो रही है ठीक है, ये पेंट की कोटिंग है, ये पेंट की कोटिंग, प्लास्टिक पार्ट की भी कोटिंग। अच्छा प्लास्टिक की भी करा रहे हैं वो? हाँ जी। उसके अलावा टायर की कोटिंग भी करा रहे होंगे? भी है, इंजन अलॉयज की भी, अलॉयज की भी हो रही है। चलो हर एक चीज़ की यहाँ पे कोटिंग अवेलेबल है। और एक बात जरूर कहूँगा, ऑप्टिकोड जो है मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा सबके लिए। करेक्ट, बहुत अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट है ओके, वेल नोन प्रोडक्ट है ठीक है। भैया इस गाड़ी को जैसे अभी कितने ईयर का प्लान चल रहा है इस गाड़ी पर? इस पे 2 ईयर्स का चल रहा है। तो जैसे ये 2 ईयर्स का प्लान जो करवा रहा है उसको कितना टाइम लग जाएगा? ये एक दिन चाहिए पूरा, ओवरनाइट कोटिंग हील हो जाती है, नेक्स्ट डे सुबह 11 AM अराउंड हम दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। चलो ठीक है, और कहते हैं कि आराम से जो काम होता है वो बेस्ट रहता है, बेस्ट रहता है। और अच्छा रहता है, ज़्यादा टाइम तक रहेगा। यस करेक्ट ओके। बाकी प्रोफेशनलिज्म मैंने दिखाया है कि कैसे जो टेपिंग वगैरह हुई है वो कितनी अच्छी तरह है ताकि गाड़ी प्रॉपर मेंटेन रहे, कस्टमर खुश हो जाए बिल्कुल यहाँ से ना। देखो वही ऑब्जेक्टिव है हमारा, बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्राइम ओके। और भैया एक चीज़ क्लियर करो कि जैसे थार पे 2 ईयर्स की चल रही है और ओवरऑल करा रहे हैं ये ना, इंटीरियर को छोड़ के बाकी सब करवाया है, तो कितने को पैसे इसके लग जाएंगे उनके? देखो प्लान स्टार्ट हो जाता है पेंट का 15,000 प्लस से जो 2 ईयर्स का ओके, वैसे करीब 1 ईयर कराओ 7,000 प्लस स्टार्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कार कौन सी है ओके, क्या है कौन कौन से प्लान पैकेजेस चूज हो रहे हैं, बाकी कौन सी कोटिंग अप्लाई हो रही है ओके ओके, बाकी आपका रेफरेंस जरूर लेंगे बिल्कुल। चलो भैया अगर मेरे रेफरेंस से कोई आएगा हल्का सा डिस्काउंट उसको थोड़ा सा जरूर मिलेगा। बाकी भी जैसे अगर किसी गाड़ी की कंडीशन आप देखो कि कोई पुरानी गाड़ी आई है इस पर स्क्रैचेज वगैरह हैं, वो पहले उस पर स्क्रैचेज निकाले जाएंगे उसके बाद कोटिंग डलती है उसके? राइट, पहले स्क्रैचेज रिमूव होते हैं सो दैट गाड़ी की जो ग्लॉस है, जो शाइन है बिल्कुल, वो प्रोटेक्ट हो, वापस आए, रिस्टोर हो बिल्कुल, उसके बाद कोटिंग अप्लाई होती है ठीक है। तो ये प्रॉपर ईच एंड एवरी वर्क यहाँ पर चल रहा है, ये देख लो अभी सिर्फ 3 कोट हुए हैं और इस गाड़ी की आप कंडीशन देखो कितनी अच्छी और मेंटेन्ड है, मतलब मेरा को भी अच्छा लग रहा है देख के। बाकी वर्कशॉप तो आपको दिखाई है भैया ने पूरी ऑरेंज एंड ग्रे की भी ऑरेंज थीम है ओके, ये थीम है आप, इवन की भैया का ऑफिस भी इसी से मेंटेन्ड है। तो आगे भी चले दिखाएं सबको आगे अगर वर्कशॉप की बात करें तो भैया, और हमारे पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे? एक तो वॉशिंग का है जहाँ पे फोम वॉश होती है प्रॉपर ओके, प्रेशर पंप लगा हुआ है ओके, अलाइनमेंट बैलेंसिंग का काम भी कर रहे हैं ओके। तो ये देखो
अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, बाय चांस अगर किसी को रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, और ये भी बेस्ट रहेगी आपके पास ना, ये बेस्ट है। हाँ जी ठीक है, तो अभी जैसे भी ये वाली गाड़ी है इसका हम क्या काम कर रहे हैं? इसकी बेसिकली टायर्स की कोटिंग हो रही है, साइलेंसर की हो रही है, और इंजन की कोटिंग आ रही है, इंजन की हो रही है, प्लस इसकी एक वॉश पेंडिंग की, तो मेंटेनेंस वॉश हो रही है। बिल्कुल, तो जैसे आपने मेरे को दिखाया था कि आपके पास वो उसको क्या कहते हैं जो नीचे गया, अंडर बॉडी लेंस। ओके, अंडर बॉडी लेंस है उसकी वॉशिंग भी है। अंडर बॉडी लेंस से मतलब फर्क क्या है? देखो बेसिकली गाड़ी को आजकल सेंसर्स होते हैं, बिल्कुल गाड़ी को उठाते नहीं है। ओके, तो द मेन पर्पस इस गाड़ी को नीचे से वॉश करना। बिल्कुल, वी हैव अ स्पेशल इक्विपमेंट, वो नीचे अंडर बॉडी लेंस जाती है, गाड़ी नीचे से वॉश करती है। ठीक है, बाकी आपको जरूर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्डिंग कर ली इस चीज़ की, ताकि आपको सबको मैं दिखाऊं। तो ये जो टायर आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, और देखो मेंटेन लग रहे हैं, क्योंकि देखो ना अभी ये गाड़ी मैंने देखा था पूरी मिट्टी से भरी हुई थी, और इस पर वॉशिंग हुई है प्रॉपर वाली, और इवन की टायर निकाल के एक बंदे ने प्रॉपर रगड़ा उसको अच्छी तरह, टायर खोल के अंदर से रिम क्लीन किए जाते हैं। ओके, फिर इसके टायर्स की भी कोटिंग करनी है, अभी तो सिर्फ हमने वॉश करा है। ओके, ये जो आप साइलेंसर की कोटिंग कह रहे हो वो क्या चीज़ है, मेरे को बताओगे? जो गाड़ी का साइलेंसर है पीछे। ओके, हम दिखाई देते हैं। ओके, तो जैसे हम बात करें ये साइलेंसर है, ये साइलेंसर है, इसकी भी कोटिंग आती है, ये सिल्वर पे कभी रस्ट नहीं लगती है, okay. शाइन करता रहता है। चलो ठीक है, ये भी हमारे पास इसकी कोटिंग भी अवेलेबल है। ओके ओके, चलो ये भी वो भी ऑप्टी कोट। ओके ठीक है, बाकी ये देख लो ये वाली भी है, सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, स्टीम जेट वॉश, ग्रेफीन कोटिंग, सेरामिक कोटिंग, नैनो कोटिंग, कार सैनिटेशन। कार सैनिटेशन तो बहुत जरूरी है आजकल। करेक्ट, हेडलाइट रिस्टोरेशन, क्योंकि मैंने कई पुरानी गाड़ियों की हेडलाइट देखी है, बड़ी ऐसे डल हो जाती है, येलो हो जाती है ना, वो हम रिस्टोर कर देंगे, वो रिस्टोर कर देंगे। तो व्हील अलाइनमेंट है, व्हील बैलेंसिंग विद लेज़र टेक्नोलॉजी भी है, लेज़र टेक्नोलॉजी जो व्हील बैलेंसिंग की मशीन है उसके अंदर लेज़र की लेज़र आती है। ओके, तो लेज़र के साथ पता लग जाता है एग्जैक्टली कहाँ पे वेट करना, कितना लगना है, सो दैट कस्टमर क्लियर हो, कहीं कुछ ज़्यादा कम वेट ना लगे, तो एग्जैक्ट लगता है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लो, भैया की जीमेल आईडी भी मेंशन है, एड्रेस मेंशन है, फ़ोन नंबर भी मैंशन है, बाकी मेरे भी दिख रहा है, बाकी आपके पास इंस्टाग्राम पेज भी होगा? इंस्टाग्राम पेज भी, तो बुकिंग कार डिटेलिंग करके। ओके, इंस्टा फेसबुक पे दोनों पे अवेलेबल। ठीक है, तो मतलब कोई भी आपका काम देख सकता है, बल्कि ऐसे है कि आपका काम देखो, लोग देखें काम, सेटिस्फेक्शन होए, फिर आए। बाकी ऑप्टी कोड तो सबको पता ही है, सर्च करके चेक कर लो चाहे ना जी। तो भैया आपको मैंने सारा कुछ दिखा दिया है, जितनी भी कोटिंग्स हमारे पास हैं, हर एक चीज़ की अलग अलग कोटिंग है, वो आपके खुद भी आप एक बार आओ, विजिट करो, देख सकते हो। बाकी जो प्राइसिंग जैसे मैंने पहले भी बोला, डिपेंड करता है कि आपकी कार की कंडीशन कैसी है। उसके अलावा जितनी वैरायटी गाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे है, मेरे को लगता कहीं पे होगी, जो कि हम कह देते हैं स्टीम वॉश, फोम वॉश, कार व्हील बैलेंसिंग हो जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है, कोटिंग्स हैं। ये कौन कौन सी कोटिंग्स है अपने पास? नैनो कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग्स है, मैं कोटिंग ग्रेफीन कोटिंग। ओके, पीएफबी है। बिल्कुल, तो इतनी वैरायटी मुझे नहीं लगता कहीं पे मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो ये जरूर आपको विजिट करना चाहिए, अगर आपको गाड़ी की प्रोटेक्शन करनी है, और प्रोटेक्शन जरूरी भी है भैया। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और सेरेमिक के एडवांटेजेस होते हैं। बिल्कुल, एक तो ग्लॉस के लिए, एक्स्ट्रा ग्लॉस के लिए। बिल्कुल, प्रोटेक्शन के लिए पेंट की। ओके, और उसकी जो मेंटेनेंस है डेली बेसिस। बिल्कुल बिल्कुल, वो कम हो जाती है, कभी कंपाउंड पॉलिश वैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती गाड़ी की। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है नोट करने वाली। बाकी भी जैसे कोई कोटिंग आपसे करवा रहा है तो उसका आप एक वारंटी कार्ड भी अपने इशू करके दोगे ना? वारंटी देते हैं, अगर 5 इयर्स की कोटिंग है। ओके, तो उसमें फिर 4 इयर्स चेकअप के लिए आती है गाड़ी। ओके, तो बेसिकली चेकअप करते हैं कोटिंग का, क्योंकि कोटिंग वन टाइम एप्लीकेशन होती है। ठीक है, कोटिंग की एप्लीकेशन वन टाइम ही है, बट चेकअप जरूर हमें मिलते हैं, ईयरली चेकअप है। ठीक है, तो जरूर एक बार मेरे ख्याल से विजिट करके देखो। बाकी फोन नंबर देखो सामने चल रहे हैं, और कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप भैया को भी कॉल कर सकते हो, या फिर अगर मेरे को कॉमेंट करके लिख दो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वो चीज़। बाकी लोकेशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया है, तो ऐसे भी करें फिर एंड वीडियो ना। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, जिसको एक वाला काम करवाना है आप उनको शेयर कर सकते हो वीडियो। बाकी भी अगर इंस्टाग्राम पेज है, अगर आपने प्रीवियस वर्क्स देखने भी है जो किए हैं उन्होंने, तो आप वहाँ पे देख लो। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? टिल देन ओके, बाय बाय, थैंक यू। ओके।